हाई फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एस एस पीडियाट्रिक्स आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ टू डे आई एम हियर विद अनादर टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग विच इज़ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आज मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमें न्यूट्रिशन uh, की डेफिशेंसी के वजह से हो सकते हैं और बच्चों में यूजली ज़्यादा हो जाते हैं न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स क्योंकि आ, वो अगर हम उनको कुछ भी फूड आइटम्स ऑफर करते हैं या हम उनको बच्चों को खिलाते हैं स्टार्ट फ्रॉम द जैसे विनिंग पे धीरे धीरे शुरू करते हैं और कभी कभी विनिंग डाइट लेट स्टार्ट करने से भी हो जाते हैं कुछ न्यूट्रिशन स्पेसिफ़िक न्यूट्रिशन की डेफिशेंसी हो सकती है या टोलर एज ग्रुप में बहुत सिलेक्टिव चीज़ों को आ, सिलेक्ट करके खाते हैं कि हाँ ये अच्छी है या ये उनको टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उन्हें ईजिली वो चीज़ें ऑफर भी नहीं कर पाते हैं तो उन चीज़ों को रिफ्यूज़ करते हैं वो सो so, उस टाइम पे उनका एक प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना और उनको उन न्यूट्रिशस डाइट प्रॉपरली प्रोवाइड करना थ्रू डिफ़रेंट वेराइटी ऑफ मैथड्स के थ्रू कुकिंग प्रेपरेशन प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करके हम उन्हें कैसे एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट दे सकते हैं सो so, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू कि हम अपना पिटियाटिक पॉपुलेशन को और ओवरऑल uh, ह्यूमन जो हमारे ह्यूमन uh, बींग्स हैं उन सबको हमें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से प्रिवेंट करना है आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन जैसे हमें कोई भी प्रॉपर लेमन लैंग्वेज में हम ईजिली बोलते हैं कि पौष्टिक आहार लेना चाहिए तो हमें प्रॉपर फूड आइटम सिलेक्ट करनी चाहिए जिनमें मैक्सिमम न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हों और हमें वो प्रॉपर फूड आइटम सिलेक्ट करके एंड वी हैव टू प्रिपेयर द फूड आइटम्स उसका प्रेपरेशन के प्रोसीजर्स प्रॉपरली हमें पता होना चाहिए विद तो द प्रॉपर प्रिंसिपल्स वो मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगी प्रेपरेशन ऑफ़ फ़ूड आइटम्स डिफरेंट मैथड्स ऑफ कुकिंग जिसमें इन्वॉल्व होंगे एंड तो प्रिंसिपल्स जो हमें माइंड में रखने हैं वैन एवर बी यूज टू कुक द फूड टू मेक द न्यूट्रिशियस एलिमेंट उसमें रहे वो चीज़ें सो so दैट कि जब वो फूड आइटम हम इंजेस्ट करें अपनी बॉडी में तो वो ऑब्जॉर्बशन वो सब चीज़ें अच्छे से हों और मैक्सिमम जो न्यूट्रिशियस जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिले उनको वो ऑब्ज़र्व करें और हमारे बॉडी को अच्छा एक न्यूट्रिशियस डाइट मिले सो so, अगर हम टाइम से ही और एक अच्छी ईटिंग हेल्दी ईटिंग हेल्दी जो हैबिट्स हैं हमारी उनको हम अडॉप्ट करते हैं और स्पेसिफिक न्यूट्रिश uh, की डेफिशिएंसी जो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है उनको होने से प्रिवेंट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं जो हम होने से पहले ही उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं सो so, उसी के रिगार्डिंग आज का लेक्चर मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स कौन से हैं और उनके मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वट आर द स्पेसिफिक साइंस जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बॉडी में ये ये चीज़ें जो साइंस हैं वो शो हो रहे हैं तो मे बी शायद हमें इस चीज़ का डेफिशेंसी हो रही है सो so दैट हम वो चीज़ें अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें फूड आइटम्स के थ्रू और अगर ज़्यादा ही उसकी डेफिशेंसी ज़्यादा हो रही है एक सीवियर लेवल पर हो रही है तो फिर हमें उसका एज अ बिंग सप्लीमेंट और मेडिकेशन भी लेनी पड़ सकती है सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशन इज द सिलेक्शन ऑफ फूड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड देर इंजेक्शन टू बी एसिमिलेटेड बाय द बॉडी तो न्यूट्रिशन क्या है इसमें हम फूड आइटम को सिलेक्ट करेंगे प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करेंगे मीस रेडी टू बी ईट खाने के लिए और उसको फिर बॉडी में इंजेस्ट किया जाता है जहाँ से बॉडी के उसको डाइजेशन के प्रोसेस में चलेगा और बॉडी के डिफरेंट सेल्स को वहाँ से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा ठीक है ब्लड के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और बॉडी के पट को सेल तक वो जाएगा और वो उसको ऑब्जर्व करेंगे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा बाय प्रैक्टिसिंग अ हेल्दी डाइट मैनी ऑफ द नॉन हेल्थ इश्यूज कैन बी अवॉइडेड एंड द डाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज वट इट ईट्स which is largely determined by the perceived palatability of foods. Then next is nutritional disorder. A nutritional deficiency occurs when the body does not observe. जब हमारी body जो है observe अच्छे से नहीं कर पाती है या उसको sufficient proper amount में जितना कि ज़रूरत है necessary amount में जो body की एक required अमाउंट है उसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं या बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही मिल रहा है बट बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड विच इंक्लूड्स डाइजेशन प्रॉब्लम स्किन डिसऑर्डर्स स्टंट और डिफेक्टिव बोन ग्रोथ एंड इवन डिमेंशिया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम फर्स्ट इज अंडर न्यूट्रिशन विच इज़ नोन एज माल न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज ओवर न्यूट्रिशन

सेलुलर इम्बेलेंस है किस चीज में जो सप्लाई हो रही है न्यूट्रिएंट्स की और एनर्जी की और जो बॉडी की डिमांड जितना है कि बॉडी की डिमांड कितनी है प्रॉपर ग्रोथ और स्पेसिफिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए तो वो उसके बीच में एक इम्बेलेंस हो चुका है देन प्राइमरी स्टेजेस पर अगर हम देखा जाए माल न्यूट्रिशन कैसे होता है दैट मे बी रिलेटेड टू द डाइट एंड सेकेंडरी माल न्यूट्रीशन रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन माल ऑब्जॉपशन And impaired nutrient utilization or storage in the body, and excess nutrient losses due in, in some disease conditions, and increased need for the nutrients. Protein energy malnutrition. Next is protein energy malnutrition intake sorry, inadequate intake of protein and calories. So, what is protein energy malnutrition? Kaise ho इनएडिक्ट इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज की वजह से हम प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन और कैलोरीज को अपनी बॉडी में कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं सो टू मेन क्लिनिकल सिंड्रोम जिसमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन फर्स्ट इज मैरासमिस एंड सेकेंड इज क्वेश सो मैरासमिस में क्या होता है द रिज अस्ट आवेशन इन द इन्फेंट विद ओवरऑल लैक ऑफ कैलोरीज एंड सोमैटिक प्रोटीन कंपाउमेंट्स कहीं पर उसका थोड़ा सा स्कैल्टल uh, मसल्स को अफेक्ट होगा

वास्टिंग ऑफ मसल्स एंड फैट टिश्यू जो मेन एक करैक्टर है जिसे हम करेक्टराइज कर पाते हैं कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज हैविंग मेरसमस तो उसके स्किन और बोन भी उसमें पूरा इफेक्ट हो जाते हैं स्किन और बोन का यहाँ पे क्या हो रहा है मसल का मसल वास्टिंग हो रही है और ग्रोथ टोटली रिटार्डेड होना शुरू हो गया सीरम प्रोटीन इज नॉर्मल एंड देयर इज नो एडीमा It can occur at any age and can be easily compensated by normalizing the nutritional supply of protein and other nutrients to the individual. Jo bhi hai, that may be a pediatric population ka individual hai, ya, koi adult one. Hai. Clinical features aayenge, weight is less than 60% of normal and a loss of muscle mass and subcutaneous fat, immaculation of extremities and had.

वेन प्रोटीन डिप्राइवेशन इज ग्रेटर दैन द रिडक्शन इन द टोटल कैलोरीज तो यहाँ पर प्रोटीन का बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें डिप्राइवेशन हो रही है बहुत कम बॉडी को यहाँ पर अवेलेबल हो पा रहा है प्रोटीन उसकी बॉडी को बहुत डेफिशेंसी हो रही है प्रोटीन की इन कंपेरिजन टू कैलोरीज एंड टिपिकली अकर्स इन चिल्ड्रन हुज बीन वीड ऑफ मदर्स ब्रेस्ट वन द सेकेंड चाइल्ड वॉज बॉर्न तो यहाँ पे क्या होता है कि Uh, जब कभी ऐसा हो जाता है कि मदर uh, जो है वो प्रॉपरली विनिंग डाइट प्रॉपर टाइम से शुरू नहीं कर पाते हैं कभी कभी उनका सेकंड टाइम जैसे फर्स्ट बेबी है सेकंड बेबी कंसीव हो जाता है या सेकंड बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो फर्स्ट बेबी को भी ब्रेस्ट फीड के साथ ही उनका विनिंग बेबी ब्रेस्ट फीड ही चल रहा है तो मदर अपने मिल्क से ही उसको भी uh, जो है वो ही उसका एक फीड है बट ऐसा नहीं होना चाहिए उसको एक प्रॉपर विनिंग डाइट अवेलेबल होनी चाहिए सो so, इसमें हमारे पास क्या एक चीफ कंप्लेंट्स जो हम देखेंगे इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन का बी द कंडीशन विच वाइज दैट इज हाइपो एल्यूमिनेमिया एंड जनलाइज और डिपेंडेंट एडीमा लॉस ऑफ वेट मास्क बाय द एडीमा एंड यूजली देर इज स्पेयरिंग ऑफ मसल एंड सबकिन फैट एंड वेट इज बिटवीन सिक्सटी टू एटी परसेंट ऑफ नॉर्मल अदर क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड फ्लैकी पेंट अपियरेंस ऑफ स्किन and uh, alternating bands of the pale and dark hair known as flag sign a large fatty liver atrophy and loss of small intestine villi leading to concurrent loss of small intestinal enzymes and uh, development of apathy and listlessness and loss of appetite other vitamin deficiency also can and defect in the immunity pictures का चाइल्ड को शो किया गया है और एक साइड क्वेशिकर जहाँ पे क्वेशिकर में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एडिमा ज्यादा इसमें एविडेंट होता है सो क्लिनिकल फीचर्स इन केस ऑफ एंड मेरे सो इन केस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अक इन चिल्ड्रन बिटवीन सिक्स मंथ्स थ्री ईयर्स ऑफ एज एंड ऑन द अदर साइड मेरेस्मस में क्या है कॉमन इन इन्फेंट अंडर वन ईयर ऑफ एज एंड इन केस ऑफ क्वेशिकर देर इज अ ग्रोथ फेलियर बोथ इन केस ऑफ मेरेस्मस ऑल्सो बट इन केस ऑफ क्वैशिकर देर इज अ वेस्टिंग ऑफ मसल्स बट प्रिजर्व एडिपोज टिश्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वेश केसेज में बट इन द केस ऑफ मेरेसमस वेस्टिंग ऑफ ऑल टिश्यूज इंक्लूडिंग मसल्स एंड एडिपोज इश्यू And in case of coashikar, uh, there is edema localized or generalized present, but in case of merasmus, edema is absent. In case of coashikar, there is enlarged fatty liver, and uh, which is not present in case of merasmus, and the serum proteins level is low in case of coashikar, whereas merasmus, the serum protein level is normal, and anemia is present in both the cases that may be Koyashica and merasmus also. And uh, there is a flag sign which is present in case of Kwashikar and a monkey like face which uh, present in Merasmus. And agar morphology we talk about morphology, in case of Kwashikar, there is an enlarged fatty liver which is not present in Merasmus and uh, atrophy of different tissues and organs but subcutaneous fat preserved. And in case of Merasmus, atrophy of different tissue and organs including subcutaneous fat. And in case of Kawashikar, small bowel mucosal atrophy and loss of villi and microvilli which is rarely seen in case of Merasmus. And in case of Kawashikar, there is bone marrow hypoplastic, uh, same in the case of Merasmus. And a cyber atrophy which is also seen in the Merasmus and thymic and lymphoid atrophy which is less marked in case of Merasmus. So, you can see in these pictures. यहाँ पे लिखे हैं क्लिनिकल फीचर्स इन केस ऑफ क्वेश्चिकर स्वेलिंग ऑफ लैग्स आप देख सकते हो स्पेयर्स हेयर बहुत कम है मून लाइक फेस है विद लिटल इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स मित्र इंटरेस्ट बच्चा शो नहीं करता है फ्लैकी अपेयरेंस ऑफ स्किन स्वॉलन एबडमन थिन मसल्स बट फैट प्रेजेंट है एंड इन केस ऑफ मेरेमस नॉर्मल हेयर ओल्ड मैन और विजेंट अपेयरेंस है थिन लिम्स विद लिटल मसल ऑफ फैट एंड वेरी अंडो वेट बॉडी नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है जो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर में आता है दैट इज़ ओबिसिटी जैसे मैंने स्टार्टिंग के इन्ोडक्शन में कहा था कि जो हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन डिसऑर्डर इनको हम जो टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं दैट इज़ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन सो अंडर न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया जो ये हमारे पास वर्ड आता है माल न्यूट्रिशन तो ये माल न्यूट्रिशन में हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन दोनों चीज़ें आएंगी और अंडर न्यूट्रिशन में हमने देखा क्वेश्लर मैरसमेस हमारे पास आता है बट ओवर न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या आ रहा है ओबेसिटी सो ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एन अकोमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अ डिपोजिश्यू दैट इम्पार्ट एंड अ बॉडी वेट ऑफ 20 परसेंट एक्सेस ओवर द आइडियल वेट फॉर एज सेक्स एंड हाई इट इज कंसिड एस हेल्थ रिस्क एंड डिटोलॉजी ऑफ दिस प्रॉब्लम दिस डिसऑर्डर ओबेसिटी दॉजिकल फैक्टर्स ऑफ etiology is ओवर इन एक्टिविटी एंड सीडेंट्री लाइफ हाउ टू मेजर द फैट अकोमोलेशन बॉडी मास इंडेक्स की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड नॉर्मल बी एम आई विद दैट इज़ टू बी स्टैंड इन बिटवीन एटीन पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव एंड ओवर वेट जो होगा उनका जो है बी एम आई दैट इज़ इन बिटवीन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी और वो ओवर वेट हुए ठीक है और ओबिस फिर उससे भी जो है वो ज़्यादा अगर जिससे भी ज़्यादा होगा तो हम उनको ओबिस कहते हैं स्किन फोल्ड मेजरमेंट हम चेक कर सकते हैं वेरियस बॉडी सर्क चेक कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हैज इफेक्ट एंड बेसिक टाइप्स की होती है लाइफ लॉन्ग ऑबिसिटी और एडल्ट ऑनसेट इन केस ऑफ लाइफ लॉन्ग ऑबिसिटी ऑल्सो नोन एज हाइपर प्लास्टिक ऑबिसिटी Begins in childhood and is characterized by an increased number of adipocytes on peripheral parts of the body. So, this lifelong lifelong. Adult onset obesity, also called hypertrophic obesity, and it is characterized by an increased size of fat cells and central obesity, fat accumulates on the trunk. Assessment of protein energy malnutrition with the help of Gomez classification. तो इसकी हेल्प से जो है वो हम चेक कर सकते हैं द फॉर्मूला दे यूज द वेट फॉर एज इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द चाइल्ड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड डाय वेट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड ऑफ द सेम एज तो ये हम इसमें देखेंगे और इनका जो भी परसेंटेज आएगा अगर इन बिटवीन नाइन्टी टू वन हंड्रेड टेन परसेंटेज में आता है तो वो नॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेटस है और अगर इन बिटवीन सेवेंटी फाइव टू एटी नाइन परसेंट आएगा तो वो माइल न्यूट्रिशन मीन्स फर्स्ट डिग्री का एंड सिक्सटी टू सेवेंटी फोर के बीच में आएगा देन मॉडरेट माल न्यूट्रिशन सेकेंड डिग्री प्रिजर्वेशन औरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हेल्प टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन कॉज बाय द डायरिया एंड एक्सेस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फ्री हम कर सकते हैं फॉर सिक्स मंथ देर आफ्टर सप्लीमेंट्री फूड हमें देने चाहिए

प्रोमोशन एंड करेक्शन ऑफ फीडिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट अगर बच्चों में हम प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिसज फॉलो नहीं करेंगे दैट में भी ब्रेस्ट फीडिंग की है या उसके बाद विनिंग डाइट की प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिसज हमें प्रॉपर्ली करना चाहिए अगर कोई कर रहा है तो उनको करेक्ट करना चाहिए अगर उनमें हमें कुछ लगता है कि वो प्रॉपरली ना होने की वजह से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जो है वो बच्चे में हुआ है फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ सो दैट एक बेबी को प्रॉपर मदर का जो है वो ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर्ली मिल सके वो उनका प्रॉपर्ली विनिंग डाइट पे ध्यान दे सके कॉन्सेंट्रेट कर सके बेबी के ऊपर सो दैट मदर की भी हेल्थ ठीक रहे और वो फर्स्ट बेबी का भी अच्छे से जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके सो दैट देर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फैमिली प्लानिंग एंड द स्पेसिंग ऑफ द बर्थ नेक्स्ट न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स में हम विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड कर देते हैं सो so ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में विटामिन ए डेफिशिएंसी विटामिन ए डेफिशिएंसी वी ए डी और हाइपो विटामिनोसिस ए इज़ लैक ऑफ विटामिन ए इन ब्लड एंड टिश्यू तो जब हमारी बॉडी में हमारे टिश्यूज़ में जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं हाइपो विटामिनोसिस ए एंड इट इज़ कॉमन इन पुअर कंट्रीज़ बट रेयरली सीन इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ और इसमें हमारे पास जो है वो नाइक टैलोपिया मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है and is one of the first sign of vitamin a deficiency xerophthalmia uh, that is dry eyes refers to all the ocular manifestations of vitamin a deficiency and it is a most widespread and serious nutritional disorder clinical features reduced vision in the night or dim light dry eyes which could also lead to xerophthalmia and uh, corneal inflammation the child or adult may experience susceptibility towards respiratory infection and urinary infections. Growth can be halted in the children. Skin might also show signs of vitamin A deficiency, for example, it may get rough or dry.

सो साइन ऑफ़ डेफिशियसी यहाँ पे मेंशन किया गया एंड कॉजेज ऑफ डेफिशियंसी भी इस एक स्लाइड में आपको शो हो रहा है साइन ऑफ़ डेफिशियंसी क्या है हमारे पास बेसिकली विटामिन डी करता क्या है इट एनहान्स द इम्यून सिस्टम एंड रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम नीडेड फॉर द हेल्दी थाइरॉयड फंक्शन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट द डिप्रेशन एंड एंगजाइटी एंड असेंशियल फॉर द न्यूरोमोस्क फंक्शन सो विटामिन डी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो साइन ऑफ डेफिशियंसी क्या है मसल वीकनेस एंड माल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड ओस्टियोमलेशिया वीकनेस ऑफ द बोन्स एंड ओस्टियोपोर्सिस थीनिंग ऑफ द बोन्स रिकेट्स इंसामिया कॉग्नेटिव इम्पेयमेंट एंड मापिया तो बेसिकली हमारा जो स्कैल्टन और मसल्स और बोन्स के रिगार्डिंग इसमें आता है तो ये सब चीज़ें कुछ साइंस जैसे शो करेंगे तो हमने ये इंडिकेशन मिलते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का डेफिशेंसी हो रहा है एंड कॉजेज ऑफ डेफिशेंसी क्या हो सकता है

so vitamin d rich foods next is vitamin c deficiency causes dietary lack of fresh fruits and vegetables and mechanism impaired collagen synthesis vitamin c is needed for the collagen synthesis and collagen cross linking and tensile strength so vitamin c deficiency leads to development of scurvy क्लिनिक जो इसका चीफ कंप्लेंट जो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय बोन डिजीज इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड बाय हैमरेज एंड हीलिंग डिफेक्ट्स इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स वेस्कुलर पैटर्न एंड जिंजिवल ब्लीडिंग पैटिके एंडामोस स्कैल्टल चेंजेस विच इंक्लूड द सॉफ्ट बोन्स ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डिलेड बोन्ट हीलिंग सो आप यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन डेफिशंसी स्टेट्स का यहाँ पे और शॉर्ट फॉर्म में चार्ट बनाया गया है विटामिन ए डी ई, e, एंड के तो यहाँ पे डाइट डिए, रिसोर्सेज भी दिए गए हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी भी शो किया गया है यहाँ पे भी है वाटर इल्यूबल विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स बी ट्वेल्व वॉलेट नाइसिन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके डाइट रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसीज़ नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ़ डेफिशेंसी ऑफ असेंशियल मिनरल्स सो यहाँ पर जो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया कि हमें न्यूट्रिशन तो प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड ऑल दैट सो यहाँ पे विटामिन के बारे में तो हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गेन किया अलॉन्ग विद मिनरल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी जैसे आयरन आयोडीन कॉपर जिंक फ्लोराइड सीरेनियम ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है सो so, इनकी डेफिशिएंसी से जो है बहुत सारी कंडीशंस अराइज होती हैं जो यहां मेंशन की गई हैं आयरन के केस में जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन सॉरी सो दिस इज द लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसीज़ ऑफ़ एसेंशियल मिनरल्स आयरन आयोडीन कॉपर जिंक फ्लोराइड एंड सिलेनियम आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड आयोडीन की डेफिशिएंसी से हाइपोथर्डिजम ग्वाइटर रिटार्डेशन कॉपर की डेफिशिएंसी से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ठीक है और जिंक की डेफिशिएंसी से एक्रोडर्मेटाइटिस एंडरोपैथिका एंड फ्लोराइड की केसेस में डेफिशिएंसी अगर होती है देन डेंटल कैरीज एंड सेलिनियम की केसेस में कैशॉन डिजीज विच इज़ कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी due to combination of dietary deficiencies of selenium and the presence of mutated strain of coxsackie virus next is nutritional anemia nutritional anemia is a condition where the hemoglobin content of blood is lower than the normal as a result of a deficiency of one or more essential nutrients regardless of the cause of the such deficiency causes and risk factor for this nutritional uh, anemia inadequate diet इनसफिशेंट इनटेक ऑफ आयरन आयरन में जब माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है आयरन का प्रेगनेंसी कंडीशन है एक्सेसिवली मैंस्ट्रल ब्लीडिंग होता है हुक्वाम इन्फेस्टेशन मलेरिया क्लोज बर्थ इंटरवल्स गेस्ट्रंटेस्टनल ब्लीडिंग और इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस का इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है एंड प्रेगनेंट वमेन एंड थ्री मेनोपोजल वुमेंस इफ़ेक्ट्स ऑफ अनिमिया प्रेगनेंसी पे अलग से हैं इन्फेक्शन की कंडीशन में अलग से वर्क कैपेसिटी पे अलग से पड़ता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेटरनल एंड फीटल मोबिटी एंड मोर्टेलिटी एंड लीड्स द अबॉशन प्री मैच बर्थ एंड पोस्ट पार्टम हैमरेज लो बर्थ वेट आर एसोशिएटेड विद द अनिमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन केस ऑफ इन्फेक्शन अनीमिया कैन भी एग्रिवेटेड बाई पैरासिटिक इन्फेक्शन लाइक मलेरिया एंड पैरासाइट्स एंड आयरन डेफिशियसी में रिपेयर सेलोर रिस्पॉन्स एंड इम्यून फंक्शन इन केस ऑफ वर्क कैपेसिटी मोर सीवियर द एनेमिया ग्रेटर द रिडक्शन इन द वर्क परफॉर्मेंस प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ एच बी टू एस एस द डिग्री ऑफ एनेमिया कितना लेवल ऑफ हिमोग्लोबिन हमारी बॉडी में है और अगर कम है लेस दैन एट ग्राम पर डेटर इसमें आता है तो फिर हमें इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स food fortification with iron changing the dietary habits control of parasites and nutritional education and awareness next is iodine deficiency disorders idd and it's idd and leads to a much wider spectrum of disorders commencing with the intrauterine life and extending through childhood to adult life with the serious health and social implications डिसऑर्डर्स क्या होते हैं अगर हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो ग्वाइटर हापथर्डिज्म सब नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है इंडिविजुअल की डिलेड मोटर माइलस्टोन्स मोटर माइलस्टोन्स को बच्चा टाइम से अचीव नहीं कर पाता तो वो डिले हो जाता है उनको अचीव करने में मेंटल डेफिशिएंसी तो हियरिंग डिफेक्ट्स स्पीच डिफेक्ट्स मेंटल रिटार्डेशन न्यूरोमस्कुलर वीकनेस एंडेमिक्रेटनिज्म सो तो दिस इज ऑल अबाउट माई तो टूडेज टॉपिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स तो इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग डिस्कस किया और हमने इसमें डिफरेंट विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया एंड एनीमिया एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और ऐसे ही और पीरियाडिक नर्सिंग के टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एस एस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ थैंक यू